तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग। और ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। और अगर आप ऐसे हरी भरी ब्लॉग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें और लास्ट तक ज़रूर बने रहें। और आपको अभी मैं अपने पूरे खेत का हरा भरा चीज़ दिखाता हूँ, हमारा खेत कैसा है। आओ इधर आओ जी दोस्तों, देखिए हमारा खेत है, इसको कहते हैं, देखिए दोस्तों ये जो फूल है ना, जो ये फूल है इसको सरसों कहते हैं। और इसमें से जब दाना होता है तो जो कड़वा तेल होता है, कड़ू का ना, उससे वो बनता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इधर आइए, देखिए दोस्तों ये हमारे हमारे गांव की भैंस छूट चुकी है और भाग रही है। और दोस्तों आपको दिखाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ इधर आओ। देखिए दोस्तों हमारे ये सरसों रहा, ये गेहूँ है। ठीक है दोस्तों, ये गेहूँ एक में ही है। ठीक है दोस्तों, ये गेहूं है और सरसों था। और दोस्तों देखिए इधर पूरा हमारे गांव में हरी भरी चीज है। और बंद कर दोस्तों, ये बंद कर दोस्तों। ठीक है, बोल ना काटे कर। वाओ, ये क्या है जी, ये क्या था जी? वाह क्या दोस्तों, यहां सो गाइस, अब हम आपको दिखाने वाले हैं गेहूं का खेती कैसे होता है। ये देखिए गेहूं का खेती है और उस तरफ देखते हैं, इस तरफ सरसों का खेती होता है और हमारे बगल में धनिया का खेती होता है और इधर पे लहसुन का खेती होता है और इधर पे वो क्या होता है, आलू। इधर दिखाए कैमरामैन, ये आलू का पेड़ है और ये लहसुन का पेड़ है। कैमरामैन प्लीज इधर पास में आना। और ये धनिया का पेड़ है। और हमारे यूपी में, हमारे यूपी में जितना खेती होता है उतना कहीं नहीं होता है। हमारे यूपी से ही सारे फसल उगते हैं और हर देश में, हर शहर में अपना ही, अपने यूपी का ही जो खाद्य पदार्थ रहता है अपने दूसरे बाहर देश में जाता है। इसीलिए तो हम सब माने जाते हैं यूपी वाले बहुत मेहनती इंसान हैं, इसीलिए तो कहते हैं सब लोग। प्लीज आप भी कुछ बोलना चाहते हैं तो आप भी बोलिएगा। इनका गेहूं देखिए, इनका थोड़ा पीला है ये दोस्तों। इस बार तो थोड़ा शायद कुछ गेहूँ ऐसे ही फसल कुछ खराब हो जाते हैं कभी काल, तो कभी ज्यादा खाद दिया जाता है। फिर तो जैसे ये फसल देखिए कैसा हुआ है और बगल वाला देख लीजिए कैसा हुआ है, अंतर है कि नहीं दोस्तों। हाँ दोस्तों, जैसे दोस्तों इसके बाद हम थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा रिक्वेस्ट ले लेते हैं क्योंकि बोलते बोलते अभी थक गए हैं। कैमरा मैन इस वीडियो को रोक दिया जाए। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि अगर हम ब्लॉग एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें अगर कुछ भी बोलो लेकिन बोलते रहो, उसमें देखिए ब्लॉग में कुछ रुका नहीं जाता, जो बोलते हो उसको बोलते रहे। क्योंकि देखिए थोड़ी देर मेरे कैमरामैन बोले थे, थोड़ी देर अब मैं बोल रहा हूँ। अभी कुछ देर बाद अब मेरे प्रिंस भाई थोड़ा रिक्वेस्ट लेंगे और प्रिंस भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। देखिए ये हमारे कैमरामैन का खेत है, ये जो है खेत ना, ये हमारे कैमरामैन का खेत है और इधर हम लोग का खेत है, इधर प्रिंस का खेत है। और ये इसमें हम लोग अपना फसल उगाते हैं और जो हम लोग इसको बेचते हैं तो दूसरे देश में जाता है। थोड़ा अब कैमरा मैन थोड़ा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा स्टॉप लेते हैं दोस्तों। जब हमारे गांव में फसल में पानी भरा जाता है ना, तो बहुत सफ़ेद सफ़ेद कलर की बकुला आते हैं, उसको बकुला कहते हैं। और आपको दिखाते हो कैसा था। आइए ये देखिए दोस्तों, हमारे बगल का खेत जो भराया जा रहा है उसमें मतलब पानी मतलब चाहता है और खाद भी चाहता है उसमें, इसलिए कुछ पक्षी आके जो किरौना रहता है उसको बीनते हैं, अपना पेट बुझाते हैं। और दोस्तों देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना घास, इसको ये मतलब पूरा है, इसमें गेहूं मतलब धान क्या हो, एक्चुअली वो धान है। और जो पूरा भैंस लोग ज़्यादा खाते नहीं है, जो खाती है तो ये गेहूँ भूसा ही बस खाते हैं, इसीलिए इनको यहाँ पे रख दिया जाता है मतलब तापने थापने के लिए। देखिए दोस्तों ये हमारे बकुला है कुछ सफ़ेद सफ़ेद, और ये हमारी ये पुआ रहा है सापने। ये दोस्तों देखिए दोस्तों, जैसे हम जैसे दोस्तों की जैसे दोस्तों कि हम अपने पूरे खेत का आपको इन्फॉर्मेशन दे दिए और वीडियो के ही एंड करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जरूर करें और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक। अगर प्लीज लास्ट में आप कुछ भी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं दोस्तों। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, देखिए आप लोग। और दोस्तों आप इंतजार कीजिए हमारा अगला न्यू ब्लॉग देखने के। और दोस्तों अगर हमारा आप लोग पहला ब्लॉग नहीं देखे हैं तो बिमल गैरेज 3674 आल वीडियो पर जाके देख सकते हैं।